यार देखिए, मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस का मज़ा तो तब आता है जब टीम मैच जीत जाती है और सारे सेलिब्रेट करते हैं उस विन को। और मेरी मेरी एक आदत है बचपन से कि अगर मैं घर में भी कोई गेम खेलता हूँ वो हार जाए तो बड़ा मेरी फीलिंग अजीब सी होती है, मैं अपनी चीज़ें भूल जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि परफॉर्मेंस तो अपनी हुई है लेकिन टीम नहीं जीती, इस चीज़ के दुख है। देखिए क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब पिशावर के 8 पॉइंट है, हमारे 6 हैं, अगर वो हार जाते हैं हम जीत जाते हैं, फिर बराबर है। इस्लामाबाद अगर हार जाते हैं तो ये तो क्रिकेट है। अब 2 मैच हम जीत जाएँ तो हम आगे जा सकते हैं क्योंकि कोई भी हार सकते हैं मैच। देखिए पिछले मैच में भी हमारे अर्ली ऑन विकेटें गिरी है और उसके बावजूद भी हमने बड़ा ज़बरदस्त खेला है। और आज भी यही हुआ है कि अर्ली ऑन 2 विकेट गिरी है जिसके वजह से हमें ये नुकसान हुआ है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अगर हमारे ओपनर अच्छा खेलते हैं आगे से तो हमारे मिडल ऑर्डर भी अच्छे हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी टीम अभी भी बहुत अच्छी है और एक विन की ज़रूरत है, इंशाल्लाह सब ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आपको पता चल जाता है कि टीम का आप स्ट्राइक बॉलर हो तो उस चीज़ का एक प्रेशर भी होता है, एक मज़ा भी होता है। और मैं इंजॉय कर रहा हूँ उस चीज़ को और मेरी ये दुआ अल्लाह से और ये कोशिश करता हूँ कि यार मैं टीम के काम आऊँ और अच्छी बॉलिंग करूँ, अपनी बेस्ट दूँ टीम के लिए। और जैसे आपने बात की है कि जो आपके साथ जो दूसरे होते हैं जैसे हसनैन ले लो और नवाज़ भाई ले लो तो टीम का एक कम्बिनेशन चेंज होता है, लेकिन मैं समझता हूँ एज अ प्रोफेशनल हर बंदे को ये देखना होता है कि अपनी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस को देख।